हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। देखो इन्वर्टर की बोर्ड है किस तरह से कनेक्ट होता है आपको बताते हैं। ये देखो 16 एम्पीयर की सॉकेट और 16 एम्पीयर की स्विच और 6 एम्पीयर सॉकेट स्विच, ये इन्वर्टर आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। देखो हमने ये 16 एम्पीयर जिस तरह से स्विच कनेक्ट होता है सॉकेट के साथ ऊपर से ये लाइन के पॉइंट में, और ये अर्थिंग कनेक्ट कर दिया है। देखो ये 4 वायर है, ये ब्लैक न्यूट्रल रेड मेन लाइन और ये येलो इन्वर्टर। देखो हमने लाइन को डायरेक्ट 16 एम्पीयर के स्विच में कनेक्ट कर दिया है नीचे के, और ये इन्वर्टर आउटपुट को 6 एम्पीयर स्विच में कनेक्ट कर दिया है, और ये न्यूट्रल को डायरेक्ट सर्किट में न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है लेफ्ट साइड में। और देखो हमारा वायरिंग कंप्लीट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वायरिंग का। न्यूट्रल अर्थिंग आपको सिर्फ 16 एम्पीयर सर्किट में देना है। देखो हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम 2-3 पिन प्लग लिया है जो आउटपुट के लिए। आपको राइट साइड में ये जो रेड कलर दिख रहा है इसमें आपको सिंगल वायर ही कनेक्ट करना है 2 प्लग में। इस तरह से ये बोर्ड कंप्लीट होता है। और वायर को आपको इस तरह से मुड़कर एक्स्ट्रा रखना है मेंटेनेंस के लिए। अभी ये डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है। जब इन्वर्टर आएगा तो 16 एम्पीयर का जो पिन निकाल कर इन्वर्टर पीछे में लगा देंगे तो ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा।